फहद साहब, मसला ये है कि आप यहाँ पे क्या लाहौर के 325 पंप हैं इस वक्त पूरे लाहौर में, और कम से कम 3 से 4 लाख जो है इसको रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है, बाइक है, और 12.5 लाख कंजम्पशन है रोज़ाना की इनकी, रोज़ाना पेट्रोल पंपों पे 3 लाख मोटरसाइकिल्स को जो है वो पेट्रोल दिया जाता है। मगर मकसद ये है कि सिर्फ रिट कायम करनी है, उसके लिए एक मुरासला जारी हुआ जिसमें वो आइडिया बताया गया कि मैंने ये कहा है आप इसके ऊपर। अब कमिश्नर ने अभी तक मीटिंग नहीं बुलाई, कमिश्नर लॉ डिवीजन को चाहिए था कि अगर किसी ने आइडिया दे ही दिया है, उन्हें आइडिया सही नहीं लगा होगा, हो सकता मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल क्योंकि आइडिया में कोई पावर नहीं है पावर के इम्प्लीमेंट हो सके, मुझे जो लगता है। इसके साथ साथ अगर आइडिया ने पिंडी वालों ने शायद इसको पावरफुल आइडिया समझा हो, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रैफिक पुलिस को ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि जीरो टॉलरेंस करें। ये 10 दिन में आपको बैक मिरर लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हेलमेट कैसे लगे हैं, बिल्कुल कैसे पहने लोगों ने, मैं कहता हूँ कि देखिए हाईकोर्ट ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? भाईजान हेलमेट वेलमेट भूल गए घर में। शाबाश, वेरी गुड। और ये बैक मिरर वो पीछे है, आगे नहीं है? नहीं, दोनों के बैक मिरर से नहीं, इशारे नहीं पूछ रहा, पीछे देखने वाला जो शीशा होता है वो नहीं लगाए सर। वो पेट्रोल मिलना आपको, आजकल की नई जनरेशन कहाँ ये सारी चीज़ें लगा के फिरेगी। तो आपको जब पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा 2-3 रोज तक जब मीटिंग्स होंगी। नई जनरेशन की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओल्ड की इम्पोर्टेंट है यार। आपकी सेफ्टी के लिए या आपको पहनना चाहिए, तो सब कुछ कर रहे हैं ये कि आपकी लाइफ, आपने कोई हेड इंजरी ना हो जाए। बिल्कुल, आपने नई जनरेशन की बात करके ये बात ही खत्म कर दी है यार, बड़े हैरानी वाली बात है। नौजवान नस्ल के सितारे इस तरह गलत है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खैरियत है सर? इधर वाला शीशा भी लुआओ। ठीक है ना, पान कितना खाते हो? नॉर्मल। शाबाश, दूजा नहीं खाना? दूसरा हेलमेट कहाँ है? अभी तो साथ में घर में है, अभी पेट्रोल डलवाएंगे, बाई लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो ऑलरेडी पहनेंगे। लेकिन इधर सड़क पे तो आप आए ना, इंजरी तो किसी भी जगह हो सकती है ना भाई, साथ ही गली है, इधर ही घुस जाना हमने। अच्छा, तो जिस जाना है तो जरूर पहनेंगे। ठीक, आपको पहनना चाहिए, एज अ शहरी पहनना चाहिए तो आपकी, तो आपको देख कर दूसरे लोग गली वाले भी पहनेंगे ना। आपकी बात दुरुस्त है, एक से बात निकल दी है, एक बंदा एहतियात करें जी, एहतियात करें। हाँ, बहुत बढ़िया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बैक मिरर आप अगर लगा लेते तो ज्यादा सेफ्टी हो जाती। नहीं भाई साहब, हाँ जी, बैक मिरर लगा लेते, ये पीछे देखने वाला शीशा, बिल्कुल कैसे पीछे अभी देखते हैं आप? कोशिश तो करते हैं, देख लेते हैं साइड से, साइड ऐसा करके। आप स्पीड में जा भी रहे होते हैं, देखना साथ मुनासिब नहीं है ना, मुश्किल होता है, हादसे का बायस बन सकता है ना, हमारी गलती है। आप लेफ्ट पे राइट पे मुड़े हैं, लेफ्ट से कोई टर्न आपको मार दे, हाँ अल्लाह ना करे, आप महफूज रहे। वो देखे ना बच्चा कितना अच्छा है, और उसने वो देखे हेलमेट वेलमेट पहना हुआ है, और ये देखे उसने बैक मिरर्स भी नहीं लगवाया। बेटा कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 है। 18 है तो आपका आईडी कार्ड बन गया? जी, 18 से कम लग रही है, बड़े तेज हैं। आईडी कार्ड दिखाएं यार, वाकई एज कम लग रही है। आईडी कार्ड दिखाएं, ये कौन सा आईडी कार्ड है जी? फिर लाइसेंस भी बना हुआ है आपका? शाबाश 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 शाबाश, तैयब साहब हैं, ये देखें जी आईडी कार्ड, आपकी एज बहुत कम लगती है, तो इस वजह से बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बेटा बैक मिरर्स भी लगाएं, हाँ इंशाल्लाह बैक मिरर्स भी लगाएं। ये आपने कौन सा हेलमेट पुत्र? ये टोपी है, नहीं ये प्लास्टिक वाला है ना, कितने में लिया आपने? ये 150 का। 150 का लिया? ओहो, तो ये तो आपको बचा नहीं सकता, बहुत हल्का फुल्का है। आपको लगता है कि ये नीचे गिरेगा तो ये बच जाएगा, टूट जाएगा ना, तो आपका सर कैसे फिर बचेगा? ऐ साइंसदान इंसान, कितने किस क्लास में पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ता। क्यों? काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? अपना प्रेस है हमारा। बेटा पढ़ते पढ़ते अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ? 8 पढ़ा हूँ। तो आगे पढ़ना छोड़ दिया? बच्चे अफसर नहीं बनना तुमने? पढ़ो यार, पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। मलिक साहब, सूरत हाल तो यहाँ एक बंदे ने भी आपने देखा है कि नहीं लगाया हुआ आपके सामने, और ये आप जहाँ तक मर्जी सर्वे कर लें, यहाँ आपको समझ आ जाएगी कि कोई बंदा नहीं चाहता कि वो कानून से डरने के लिए कोशिश करते हैं सारे। बेल्ट भी लोग गाड़ी में बैठे उस वक्त लगाते हैं जब वो वार्डन को देखते हैं, अदरवाइज सेफ्टी पर्पज़ के हवाले से कोई काम नहीं करता, क्योंकि इतना शायद शऊर अभी तक नहीं पनपा। हालांकि लोग डेली की बुनियाद पर देखते हैं कि सड़क पर ट्रैफिक एकदम ब्लॉक हो जाता है, हम जब आगे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि बदकिस्मती से कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। एंड इंजरीज में फ़र्क ज़रूर पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन मतलूबा जो हदफ था वो हासिल नहीं हुआ। मतलूबा हदफ कैसे हासिल किया जा सकता है? और अगर CTO साहब जो हैं ये लेटर लिखने की बजाय इन पर सख्ती करें, तो ये तो 2-4 दिन में, हफ्ते डेढ़ में आपको बैक मिरर्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। समझता हूँ फाह साहब कि ना एक चीज़ देखें कि अगर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी आते जाएं मेरे साथ,
اگر اسکول کالجز یونیورسٹیز میں یہ بہت ہی اہم مضمون بنا دیا جائے اور اس کے اوپر پورا پورا امپلیمنٹیشن یہ بھی ہیں کچھ اور بھی مضمون ہوں گے لیکن بچے کے اوپر حاجی صاحب السلام علیکم حاجی صاحب خیریت ہے صحت کیسی آپ کی مزاج ٹھیک ہے گھر میں سب خیریت تو حاجی صاحب کچھ ہیلمٹ ولمٹ نہیں پایا ہوا تو یہ بیک مرر وہ لگا رہے ہیں وہ بھی لگائیں گے ان شاء اللہ 100 سالہ منصوبہ ہے وہ بیک مرر لان کا جلدی ہو جائے گا 200 سال سے نہیں جی ایسی کوئی بات پٹرول ملنا حاجی صاحب بند ہو جائے گا پھر بالکل نہیں یہ جلدی کریں گے ہم ملک صاحب کدھر گئے ہیں جی اچھا ملک صاحب میرے ساتھ ہیں جی اور بھائی السلام علیکم یہ دیکھیں نا بہت اچھے انسان ہیں یہ دیکھیں دونوں بھائی بہت اچھے ہیں اور یہ دیکھیں دونوں بیک مررز اور یہ ہیلمٹ بہت اچھا تھا کیا نام ہے آپ کا جی عمر نام ہے ریکویسٹ آپ سے یہ ہم نے تو ہیلمٹ پہنا ہوا بھائی نے گاڑی میں سگریٹ لگایا ہوا ہے پیٹرول پمپ کے اندر مہربانی باربیکیو بن جائے گا ہم سب کا ہیلمٹ نے نہیں کام دینا یہ اچھی بات ہے آپ کی لیکن دیکھ لیں آپ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ اکثر پیٹرول پمپ پہ موبائل فون کا بھی استعمال کر رہے ہیں حالانکہ بھائی صاحب ہیں پیچھے لکھا ہوا ہے السلام علیکم بھائی صاحب ایڈا سونا اپر کتوں لے آ جائے واہ 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 اچھی جیکٹ پہنی ہے لیکن یہ نہیں آپ نے لگایا ہوا سوری سوری نہیں سوری کا نہیں آپ کی اپنی زندگی ہے نا یار اس خطرے میں پڑ جائے گی معذرت کے لیے تھوڑی آپ کے ساتھ پوچھ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ وعدہ یہ کریں کہ بھائی جان ہیلمٹ پہنے ساتھ یہ پہنے ساتھ ان کو لگائیں بیک مررز کو آپ کا فائدہ دیکھیں اتنے اچھے گوگلز آپ نے رکھے ہوئے ہیں لگا کے دکھائیں ذرا اگر پوسیبل ہے لگانا لگا کے دکھائیں رات ٹائم نہیں لگاتے اچھا نہیں لگاتے رات ٹائم یہ بات ٹھیک ہے ان کی السلام علیکم سر سر بیک مرر نہیں لگایا آپ نے پیچھے ویکھن والے شیشے حضرت صاحب ہے دراصل ساڈے حضرت صاحب نے انہوں نے کہا اسی کدے دن چ لوا دے ہیں ساڈے موٹر سائیکل تے تعویذ تے نہیں کیتے کسی نے مینوں تہاڈے موٹر سائیکل تے کالا جادو ہویا لگ رہا ہے بہت شکریہ تھینک یو سو مچ السلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے بڑا نفیس اپر آپ نے پہنا ہے یہ بیک مررز بھی ساتھ لگا لیتے سر ان شاء اللہ لگائیں گے اس کے بعد انہوں نے پیٹرول دینا ہی بند کر دینا آپ کو ٹھیک ہے جی پھر کیا کریں گے لگائیں گے اب ان شاء اللہ فون کرتے پھریں گے یار پیٹرول لے دو ہیں نہیں لگانے پہ چلنا نہیں ہے لگائیں گے ان شاء اللہ تھینک یو السلام علیکم چاچا کیا حال ہے بہت اچھا کیا آپ نے بندیوں سے نا ڈسپلن آ رہا ہے ویسے قوم میں فرق پڑا ہے نا بالکل فرق پڑا ہے لیکن ادھر والا آپ نے ابھی لگانا ہے یہ رائٹ میرے کے ایسے اس کا بھی لگا لیں وہ ادھر کیونکہ کراسنگ کرتے لین کا کوئی خیال رکھا نہیں جاتا میں اس کو پورا کنٹرول کرتا رہا میں نے جون جولائی میں کبھی نہیں اتارا ابھی نہیں لگایا میں نے شروع سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے نا اس کا بالکل فائدہ ہیلمٹ بھی جون جولائی میں شروع سے استعمال کر رہا ہوں چلیں بہت اچھی بات کوئی پرابلم بہت اچھی بات سر السلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے سر بیک مرر بھی کوئی لگوا لیں پیچھے کیسے دیکھتے ہیں آپ لگواتے ہیں نہیں نا وہ کیسے مینیج کرتے ہیں پھر ادھر ویکنڈے ہو ادھر کوئی ٹکر مار دے اللہ نہ کرے اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے السلام علیکم کہاں ہے ہیلمٹ آپ کا گھر پہ رہ گیا جی گھر رہ گیا اچھا نیکسٹ نا ہے تو یہ کہاں مررز کا یہ گھر پڑے یہ بھی گھر پڑے یہ بھی گھر پڑے وہ تو شیشہ ادھر نہیں ویک دے چلو میرے بھائی کمال ہے جی ویسے کیا حال ہے پہلوان جی شکر اللہ کا آپ سنائیں کتوں آئے ہو سر لاہور تو ہی ہیں ابھی بھی اپلائی فور آئی ہے جی گاڑی بھی نہیں ہے سر ہیلمٹ نہیں دیا انہوں نے ساتھ نہیں سر ہیلمٹ نہیں دیا انہوں نے ہمیں ہم نے خود اپنا لیا کچھ نہیں ہوا یہ اچھا کیا آپ نے لیکن اس کے بیک مرر تو دیے تھے انہوں نے جی سر وہ دیے تھے وہ ہم نے خود اتروائے ہیں کیوں بس وہ کسی کی لگاتے نہیں شروع سے عادت نہیں ہے لگوانے کی پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا پھر آپ سر لگوانے چاہیے لازم وہ بہت ضروری ہیں آپ پیچھے کیسے پھر دیکھتے ہیں ایڈا تو مسوم پیچھے سر پورا مڑ کے دیکھی دیکھ لیں سر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال مجھے تو ان کی مصومیت پہ یہ آ رہا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو نہیں کہنے لگے کہ جو لگانے ہیں وہ شیشے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ السلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے طبیعت کیسی آپ بیک مررز نہیں آپ نے لگائے یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے بیک مرر لگانے الاؤ ہی نہیں ہے سر میں نا اسپورٹس بورڈ پنجاب میں سر ملازم تھا اچھا تو سر ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے تقریباً 8 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے وہاں پہ تو سر خان صاحب کے ویژن کو ہم نے ووٹ دیا تھا انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے ریٹرن لکھ کے دیا ہے تو مطلب کہ کسی جگہ سے کوئی بندے کو نکالا نہیں جائے گا لیکن سر اب انہوں نے تقریباً 250 بندہ سر نکال دیا ہے تو وہ غریب لوگوں کا روزگار ہے ان کا چولہا ہے ہر انسان کے اوپر تو سر ذمہ داری ہے تو سر ہم لوگوں نے احتجاج کرنے بھی کوشش کیا لیکن وہ منتشر کرواتے ہیں تو سر کائنڈلی اگر لاہور نیوز کے توسط سے اگر کچھ اس بارے میں ہو سکے تو سر سارے غریب لوگ ہیں کتنے لوگ نکالے گئے سر تقریباً 250-300 بندہ انہوں نے نکال دیا سر اسپورٹس بورڈ پنجاب کا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو چلا گیا اور باب اختیار تک اور
हम कोशिश करते हैं कि इसका नोटिस भी लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर बैक मिरर्स वगैरह भी लगवा लें, नहीं तो पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ ठीक होगा। कब तक लगवा लेंगे? जल्दी लगवा लेंगे, दो चार साल जो हैं। हाँ दो चार साल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इधर हाई साहब हैं जी, इन्होंने दोनों बैक मिरर्स लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। हाई साहब अस्सलाम वालेकुम। हाई साहब क्या नाम है आपका? सुहेल जी। सुहेल साहब क्या करते हैं आप? प्राइवेट सर्विस है। प्राइवेट सर्विस है, तो ये अच्छा किया आपने, बैक मिरर्स, फायदा होता है ना? चला ही नहीं सकता सर, बहुत फायदा है इनका, बहुत नजर नहीं आ रहा है साहब का हेलमेट मेरे। फ्रेंकली बात है, मेरे से अब हेलमेट के साथ तो है ना ड्राइव नहीं होता, लेकिन ये है कि हेलमेट अच्छी चीज़ है, यूज करना चाहिए। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, तो इंशाल्लाह। सुहेल साहब आप हेलमेट भी रखा करें साथ। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, बहुत अच्छे इंसान है जी सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, नौजवान किधर जा रहे हो? ये पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूँ। तो आप किस इलाके से हैं? ये इस्लामपुर में वर्कशॉप है हमारी। ओके, तो ये आपने वो पीछे देखने वाले शीशे इधर लगते हैं वो नहीं लगाए? हम कौन सा रोड पे चलते हैं यहाँ? ये रोड पे ही आए हो आप? कौन सा हवा में आए हो? आए पीछे गली से। रोड से ही आए हो ना, हवा से आए हो? हाँ ये तो है। अबे पी के हैं? हाँ जी। मुझे बताएं हेलमेट नहीं? हेलमेट तो है लेकिन पेट्रोल डलवा के वापस चले जाना। कौन सा? इन्होंने पेट्रोल देना ना कुछ दिन बाद बंद कर देना है, फिर क्या करेंगे, मुश्किल हो जाएगा ना जी। हैं? ये तो है। हाँ ये तो है, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। मलिक साहब मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हेलमेट वलमेट? हेलमेट है जी, मैं मरीज हूँ, मैं डाल नहीं सकता, ये मुझे चोट लगी हुई है, ये डाल। आपको सेहत दे। तो ये बैक मिरर्स भी नहीं लगाए? ये घर पर ये लगा देंगे कल परसों, तीन शतक पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा हेलमेट ना हुआ तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ सूरत आला है जी, इनसे भी पूछते हैं जी। हाँ मलिक साहब। खान साहब, खान साहब क्या हाल है? बड़ा कम से पश्तून से कम से सगियापुर। अच्छा तो ये नहीं लगाए बैक मिरर? अभी तक पता नहीं चला कि ये शुरू हुआ कि नहीं। वो ना भी शुरू हो, आपने अपने सहूलत के लिए लगाने नहीं है। पीछे कैसे देखते हैं आप? पीछे बस ये पीछे बैठा हुआ है। ये पीछे तो ऐसा है कि सज्जे कर लो, खबे कर लो, उत्ते कर लो, थले कर लो, है कि? हाँ। ये कंडक्टर है क्या? ये जितने ना हो कार फिर की कर दो, चलाते नहीं भाई कोई और। ये भी तेरे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है वैसे दोनों दी। वाह वाह। अच्छा बात बात भाई, मैं इस पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि इसको कम से कम हमें जो है ना इसकी मुहिम चलानी चाहिए, आवाम को बताना चाहिए। जब तक आवाम को नहीं बताएंगे, अवेयरनेस नहीं चलाएंगे, तब तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। और आप कह रहे हैं कि हम मुहिम चलाएं, अब इदारों को मीटिंग तो करने दें। हम तो लोगों को हम अपने तौर पे बता रहे हैं, इदारे बैठे कोई ऑर्डर पास करे, कोई कानून बनाए, कोई लेजिस्लेशन हो। ये बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल? साहब ने तो कर दिया है ना, उन्होंने तो मरासला जारी कर दिया। मुझे बताइए कि आपका ये बैक मिरर्स नहीं लगे हुए? बैक मिरर्स नहीं लगे हुए? हाँ मेरे पास पैसे ही नहीं है बैक मिरर लगाने। अल्लाह आपको तौफीक दे। बैक मिरर कितने के आ जाते हैं यार? सर 250 की जोड़ी आ जाती है। तक ये जो ये लिया है ना मैंने, ये बड़ी मुश्किल से लिया हेलमेट। तो इतनी बाइक ले ली है 40-50 हज़ार रुपए की, 250 की पुरानी है ना? अब पुरानी है, पुरानी मॉडल क्या है सर इसका? ये तो पुरानी, काफी पुरानी है। मॉडल क्या है सर? 10-15 साल पुरानी है। 10-15 साल पुरानी है, मगर बाइक चलाते तो है ना। अच्छा फर्ज करते हैं ये आपका बैक मिरर नहीं है, 3-4 दिन बाद आपका यहाँ पे पंप पेट्रोल बंद हो जाएगा, क्या करेंगे फिर? अब इंशाल्लाह मैं लगवा लूंगा, कोशिश कर लगवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस? अल्लाह का शुक्र। किधर से आ रहे हैं? अपनी शॉप से। तो जा किधर रहे हैं? घर अपने। तो हेलमेट किधर है? साथ ही मेरा घर। नई बाइक है जी। तो ये बाइक भी नहीं है और ये इधर बैक मिरर्स भी नहीं लगे नई बाइक के साथ। बाइक यार मेरी बात सुनो, हेलमेट पहन के बंदा वैसे ही पागल सा हो जाता है, कभी इसमें बजता है कभी उसमें बजता है, बोंगा सा लगता है। हेलमेट इनके जदीद नहीं है। सेफ साइड है यार? सेफ साइड तो तब पहना जब आपका एक्सीडेंट हो सकता हो। आप अपनी ब्रेक्स का ख्याल रखें। भाई साहब क्या हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट होते हैं? ईमानदारी की बात करनी है, ये नहीं कि इनके इनकी तरफ की बात करनी है। मैं तो सब ताड़ी गल दी गल कर रहा हूं, ताड़ी तरफ दी के बोंगा लगदा बंदा। नहीं नहीं जेड़ी भी गल मैं तो ताड़ी तरफ दी कर रहा हूं, जेड़ी भी गल रियल गल होवे। नहीं नहीं उनके इस हद तक ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे कि हमारे बुर्का पहनते हैं लोग। अब बुर्के के ऊपर वो कहना चाह रहे हैं जो हेलमेट हमें अवेलेबल है ना, जो हेलमेट अवेलेबल है वो कंफर्टेबल नहीं है, जो हेलमेट अवेलेबल है वो कंफर्टेबल नहीं है, यही कह रहे हैं ना? या तो मेरी बात सुनो, यही कह रहे हैं ना? हाँ मैं यही कह रहा हूँ। शुक्र है सारी आवाम को, या तो ये शोर होना कि अपनी लाइन बनी हो, लाइन से इधर ना डे। असल में मोबाइल कैसे सुनेंगे? मोबाइल नहीं, मोबाइल हम नहीं, ये बात नहीं सुनते, मोबाइल नहीं सुनता यार हमें।
जब आप जा रहे वीडियो कॉल करता है घूम जाता है उधर से घूम जाता है बंदा क्या करेगा। अच्छा अब इसका शीशे शीशे भी नहीं लगवाने? नहीं शीशों का मैंने कभी लगाए नहीं, शीशे लगाने ही नहीं, लगाए ही नहीं। पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा इस तरह तय हो रहा है। चलें देखते हैं, ये तो ब्लैकमेलिंग है फिर। पेट्रोल का भी सिस्टम लगा लेंगे फिर। वाह वाह वाह, कानून की रेट है ये, मेरी बात सुनो। डोंट वरी, कानून का कौन सा कानून यार, छोड़ो बात, आज वो नवाज शरीफ साहब जब तंग आ गए तो कहते हैं ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, जब वो कुछ कर रहे थे तो तब कुछ नहीं हो रहा था। चले जी आप हिफाजत से घर जाएं, बात निकली बात चल निकली तो फिर दूर तक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत है सर। ये इधर आपने बैक मिरर लगाना होते हैं शीशे? हाँ वो नहीं लगाते क्यों सर? बना पेंडू जहा लग रहा यार, आज तो ब्लंडर हो रहे हैं। जब आप मिरर की बात करते हैं लोग अजीब जी मंतक दे रहे हैं, कोई कह रहा है पेंडू लग रहा है, कोई कह रहा है अजीब लग रहा है, कोई कह रहा है मैं पीछे कैसे देखूंगा साइड पे लग जाऊंगा। लोगों ने कानून पे अमल नहीं करा, कानून पर अमल करें तो ये बाइक असल में सीडीओ साहब का खूबसूरत होगी। सीडीओ साहब का लिखा हुआ मरासला जो है वो क्या रंग लाएगा, और उसे कमिश्नर लाहौर की जानिब से आईजी साहब की जानिब से कितनी पजीराई मिलेगी, इसका आने वाले दिनों में तदारुक किया जाएगा और इसका पता जो है वो आने वाले दिनों में लगेगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है वो चाहे तो जिस तरह हेलमेट्स पर इंप्लीमेंट हुआ है, बैक मिरर्स पर भी इंप्लीमेंट करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फहद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।